नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में ये गैस लाइटर खुला हुआ है, कैसे खोलते हैं इसको, कैसे फिट करते हैं, ये तो आपको YouTube पर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में काम किस सिद्धांत पे करता है, और मैं वो पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, और लास्ट में आपको ये भी दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकल करके, ये जो पिजो इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, पिजो इलेक्ट्रिक असेंबली, इसको कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। अब मैं बताता हूँ क्या क्या खराबियां आती है, कहाँ कहाँ आपको क्या कुछ करना होता है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, ये ऐसे लगा होता है, ऊपर इसका कैप है, और कैप के नीचे ये हैमर होता है, हैमर के ऊपर ये लगा होता है। हैमर के ऊपर क्या हो, फिर इसमें क्या होगा, कहे कि ये स्लीव है, स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग, ये इस कोने पे, यहाँ जो ये कन्नी सी दिख रही है इस पे स्प्रिंग जाके अटक जाता है, और इससे नीचे एक और कोनी दिख रही है आपको, यहाँ पे नीचे लास्ट में, इस पे जाके ये हैमर है, ये जाके अटक जाता है। जैसे मैं लगाता हूँ इसमें, और ऊपर ये लगाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये हैमर यहाँ जाके अटक जाता है नीचे, यहाँ नीचे नीचे जाएगा हैमर और यहाँ अटक जाएगा, और जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो हैमर ये बाहर की तरफ आएगा। ये हैमर कैसे काम करता है मैं और बता देता हूँ। ये ऊपर वाला स्प्रिंग है, ये जैसे ही जाके ये जो ऊपर की कन्नी बनी हुई है स्प्रिंग, तो यहाँ जाके ये बाहर वाला तो यहाँ अटक जाएगा, और ये हैमर यहाँ जाके जो दूसरी कन्नी बनी है ये यहाँ जाके अटक जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वाला स्प्रिंग तो नहीं है, अब इसमें एक अंदर स्प्रिंग और लगा होता है, उसका क्या काम है वो और मैं बता देता हूँ। ये ऊपर वाला मैं स्प्रिंग हटा देता हूँ। जब ये क्या है, कन्नी सी जाके इसके अंदर, ये हैमर जब यहाँ जाके इस कन्नी से पे यहाँ पे जाके अटकेगा, यहाँ पे अटकेगा, तो अपना ऊपर से क्या है प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है। ये स्प्रिंग क्या है, इस स्प्रिंग ये यूं प्रेशर बनता है ऊपर से देखना ये, और फिर ये प्रेशर ऐसे यूं प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा। अपने इससे ऊपर से दबाते हैं, ये अंदर से खोखली होती है, ऐसी ये खोखली होती है, ऊपर से इसको दबाते हैं यूं, तो ये बाहर की साइड से इसको दबाता जाता है, स्प्रिंग इसका अंदर वाला जो स्प्रिंग है वो फुल ऐसे यूं हो जाता है, तब इसको प्रेशर फुल पड़ता है। फुल पड़ने से प्रेशर क्या होता है कि इसमें आगे ये हैमर एकदम जाके, ये पिजो इलेक्ट्रिक असेंबली है, इसके जाके हिट करता है यूं, जैसे ही हिट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होगी, ये बार की जो बॉडी है ये प्लास्टिक बॉडी है, तो करंट कहीं से भी लीक नहीं होगा, वो सीधा आगे इस निप्पल पे चला जाएगा और यहाँ से स्पार्क करेगा, और स्पार्क करने के लिए हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज पाथ होना जरूरी है, यानी क्लोज पाथ नहीं होगा तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक पत्ती लगी होती है, ऐसी एक पत्ती लगी होती है, मैं दिखा रहा हूं, ये पत्ती लगी होती है, ये इसके ऊपर यहां अटैच होती है, इसके ऊपर यहां ज्यादा ये लूज नहीं होनी चाहिए, पत्ती टाइट होनी चाहिए, एक तो यहां से ये अटैच हो गई, दूसरी पत्ती क्या है, ये साइड में जो इसकी बॉडी है, इसके बॉडी के अटैच होती है, ये पत्ती बॉडी के अटैच होती है, यहाँ नेगेटिव करंट आता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, जब ये असेंबली इससे अटैच होती है, ये आगे का पार्ट जैसे यहाँ ये आके अंदर की तरफ यहाँ निकलता है, तो इसमें क्या होता है कि इस बॉडी से यहाँ से नेगेटिव करंट आता है, और इससे यहाँ से निपल इससे पॉजिटिव करंट आता है, तो इन दोनों का क्या आएगा, यहाँ लाइट इतनी होती है 800 से 1000 वोल्ट के करीब ये लाइट वोल्टेज जनरेट करता है, तो इतना ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण यहाँ क्या है कि ये पाथ अपना कंप्लीट करता है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ है ना, ये चीज़ इसमें कहीं कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट इस ये नेगेटिव करंट ये पॉजिटिव करंट दोनों आप श्री में यहाँ से मिलान करेंगे तभी इसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो फिर आगे ये स्पार्क करेगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको भी, कई बार इस पंप को ऊपर से दबाते हैं
यूं प्रेस करते हैं तो ये हैमर है जो है ये इसमें अटकता नहीं है, इस बॉडी में नहीं अटकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई कोई चिकनास आई होगी, तेल या कोई चीज गिर गई होगी, तो इसको सर्फ से साफ कर लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ भी अगर कोई कार्बन और वगैरह वगैरह आया हो तो वो भी साफ कर लेना। और हैमर की एक खास बात और बता देता हूँ आपको, हैमर में क्या है कि ऊपर से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से होता है, एक तरफ से पंच किया होता है, ये दिखा रहा हूँ। अब देखो ये जो उभरा हुआ स्थान है एक साइड में, ये दूसरी साइड नहीं होता, ये प्लेन होती है, एक साइड से ये पंच किया होता है। ये देखो एक साइड से पंच किया हुआ है, एक साइड पंच इसलिए किया जाता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक साइड में चला जाता है, एक साइड में रहता है, इसके बीच में सेंटर में नहीं रहता, एक साइड में होता है। ये देखो एक साइड में होता है, मैं यूं घुमाऊंगा तो आप देख लेना, ये एक जो इसका हैमर है वो एक साइड में है, एक साइड में होने की वजह से यह क्या करता है, इसमें एक साइड में जाके अटकता है, इसलिए इसको एक साइड से पंच किया जाता है। अब आगे मैं और दिखाता हूँ आपको, इस पार्ट को साइड में कर देता हूँ। ये अपना जो मेन पार्ट है वो ये है, इसको बोलते हैं पिज्जो असेंबली। पिज्जो असेंबली इसको अपने ओपन करते हैं तो यहाँ पे तो हैमर हिट करता है, ये जो पिन है इसमें लगी होती है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें ऐसी एक तो इस साइड में ये प्लेट लगी होगी और ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट होती है। और दूसरी साइड की ओर दिखाता हूँ, एक प्लेट ये ऐसी निकली है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, और ये आगे जो अपने इससे आगे करंट निकलता है ये पिन है, इसमें सबसे नीचे पिन ये लगी होती है। और जो मैं मेन चीज दिखा रहा हूँ ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। एक साइड से देखोगे आप तो इतना देखो, ये ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ है, रबड़ से इतना बाहर निकला हुआ है, जब भी इस पर कोई प्रेशर यूं जाएगा तो ये अपना आकार चेंज करेगा। आकार का मतलब ये कुछ दबेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये देखो इतनी साइड इसकी, ये रबड़ जो ऊपर लगा हुआ है इससे इतनी साइड इसकी बाहर है। कई बार क्या होता है कि ये घिस घिस के इसके बराबर आ जाता है। बराबर आने के बाद आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा रबड़ काट लेना है, बिल्कुल छोटा सा इतना रबड़ काट लेना, इतना कोना जैसे इसमें बाहर आया हुआ है इतना कोना बाहर कर लेना, फिर भी आपका 2-4 महीने लाइटर और काम कर देगा। अगर काम करना बंद कर दिया है तो ये जो रबड़ और ये घिस के इतना बराबर आ गया है तो इतना इसको रबड़ को ब्लेड से इतना काट लेना, इतना ही रबड़ को काट लेना, तो ये अंदर वाला पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ये बाहर आ जाएगा। तो क्योंकि इसी पे प्रेशर पड़ता है तो ये अपने आकार में परिवर्तन करता है, तभी तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोनों तरफ ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगी होती है, ये इसके दोनों तरफ लगी होती है, इसको साफ कर लेना कार्बन आया हो तो, और इसके ऊपर जो हैमर पर लगता है इसको भी साफ कर लेना, और इसमें कोई खराबी आने वाली होती नहीं है। और अब आपको मैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैं अब क्या करूँगा, ये मेरा पीजो इलेक्ट्रिक असेंबली है, इसके क्या किया मैंने, एक चिमटी नेगेटिव प्रोब से जो जहाँ हैमर चोट करता है उस साइड में लगा दी, और जो रेड वाली प्रोब है उसकी चिमटी मैंने जहाँ से स्पार्क होता है उस साइड में लगा दी, क्योंकि पॉजिटिव करंट उसी साइड में आता है। अब ये चिमटी लग गई है मेरी, अब मैं मल्टीमीटर चालू करता हूँ। मल्टीमीटर की रेंज मैंने रखी है 2000 मिली वोल्ट पे। अब मैं जैसे इसको प्रेस करूँगा, आप देखना इसमें वोल्टेज आ रही है। अब हाथ से मैं छोड़ दिया, अब फिर मैं इसको वापस प्रेस करूँगा फिर इसमें वोल्टेज आएगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से दबाव कम आ रहा है तो मैं पेचकस से दबाव दे के फिर दिखाता हूँ आपको। इस साइड में उंगली रख लेता हूँ और इस साइड में पेचकस से दबाव देता हूँ, अब देखना कितनी वोल्टेज बढ़ रही है। अब मैं छोड़ता हूँ तो वापस जीरो हो जाती है, फिर मैं इसको वापस प्रेस करता हूँ तो फिर वापस देखो कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे इसको प्रेस करोगे, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है इस पर जितना ही प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगते ही है क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा,
ये मैंने आपको इसमें मल्टीमीटर में दिखाई है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, तो वो आज आपको मैंने दिखा दिया है। इसको चेक करना हो तो ये देख लेना, पॉजिटिव साइड जहां से स्पार्क होता है उस साइड में लगाना है और नेगेटिव ये वैसे लगाना है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया जो यहाँ एक नेगेटिव साइड में ये पत्ती लगी होती है वो बॉडी को कनेक्ट करती है और बॉडी से नेगेटिव करंट इधर आता है, पॉजिटिव यहाँ से, तब यहाँ से स्पार्क होता है। धन्यवाद। ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।